First topic, alcohol. सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि alcohol होता क्या है. What are alcohols? These are the derivatives of alkanes. Suppose एक alkane है RH. इसमें से अगर हम एक H को remove करते हैं और उसकी जगह पे हम hydroxyl group add करते हैं तो product ROH. This one is alcohol. Alkane. Alkane में से जब H को आपने remove किया, OH को add किया, तब alcohol बोलना है. That's why these are the derivative of hydroxyl derivative of the alkane. Okay. Now question is, how many types of alcohols are present? कितने तरह के alcohol हमारे chemistry के syllabus में हैं? कितने alcohol जो हैं? आप पढ़ सकते हैं. That depend upon the number of the OH. किसी कंपाउंड में कितने OH हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि how many types of alcohols are possible. Suppose if there is only one, if only one OH, they are called monohydric. Monohydric alcohol. Mono, as the name stated, mono, only one OH. If there are two OH, dihydric. Okay. If there are three, then trihydric alcohol. If there are more than three, then you can say polyhydric. Polyhydric. More than three. Okay. This one is very easy. Monohydric, only one OH. Dihydric if there are two OH, trihydric if there are three OH, and last one is if there are more than three, then polyhydric. This is the classification only on the basis of the number of the OH. Now question is, what is the other classification? Let ki hamare paas mein keval monohydric alcohol hai, jisme ki ek hi OH hai. Ek example hum iska de dete hain aapko, CH3OH monohydric alcohol hai. CH2OH, single bond CH2OH, ये dihydric alcohol है. Same way, CH2OH, CHOH, and CH2OH, ये trihydric alcohol है. और अगर इससे ज्यादा OH है, तो polyhydric का example हम बना सकते हैं. Lead की एक मैंने इस तरह से एक बना दिया, draw करके देखिएगा. ये एक polyhydric alcohol है, जिसमें कि चार OH groups हैं. Okay? Now, other classification of the alcohol, that depend upon the OH attached with the carbon. Now, only monohydric alcohol. Monohydric alcohol में जैसा कि आपको बताया गया कि केवल एक ही OH है, लेकिन एक OH भी, अगर अलग-अलग कार्बन से लगा हुआ है, तो उसका अलग अलग नाम दिया जा सकता है. सपोज दैट कि ये मोनोहाइड्रिक है और इसी का नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम दें आपको CH3, बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम 1, 2, 3, 1, 2, 3, बोथ आर मोनोहाइड्रिक बट दीज टू आर डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द कार्बन अटैच्ड विद द OH. ये वाला जो दूसरे नंबर में है, ये जो जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसमें प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है. तो इस बेस में इन दोनों में जो प्रॉपर्टी है वो डिफर कर रही है. प्राइमरी कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो इस तरह के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल. और जिसमें 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल. सेम वे अगर किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बन से, लेट अगर हम एक 3 डिग्री कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल बनाएं, अगर हम नंबर 2 वाले कार्बन को देखें तो ये 3 डिग्री कार्बन है. अगर इस 3 डिग्री कार्बन से अगर आप OH जोड़ते हैं, लेट यहां पर से H को रिप्लेस करिए, OH लगा दीजिए आप, तो दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल. ओके, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी. And this is the classification on the basis of the
carbon, type of the carbon attached with OH. Same way, अगर इसको हम कहें कि अब mechanism कैसे करेंगे, इसी में mechanism भी बता देते हैं आपको. IUPAC Nomenclature now. IUPAC Nomenclature. जो भी कंपाउंड अल्कोहल के रूप में होगा उसमें लास्ट में जो है आप ऑल लगाएंगे आईयूपीएसी में. ओके, जैसे एल्केन है, एल्केन, एल्केन में आप एल ई को रिप्लेस करेंगे और ऑल लगाएंगे तो बन जाएगा एल्केनॉल. दिस इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. अब जो फर्स्ट हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ था हमने, जिसको कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला था, उसका आईयूपीएसी नेम क्या है. नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे. इन अल्कोहल ओएच इज द फंक्शनल ग्रुप. तो नाउ 1, 2, 3 इट मींस प्रॉप. प्रॉप पेन आप बोलते हैं, ई हटाएंगे, ओ लगाएंगे, एल प्रोपेनॉल. ओके, एंड इन दिस 1, 2, 3 नंबरिंग इज 1, 2, 3 तो इट मींस प्रॉप टू ऑल. नाउ थर्ड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग 1, 2, 3 टू से आप देख रहे हैं सी एस थ्री ग्रुप लगा हुआ है, टू से ओ एच भी लगा हुआ है. दैट्स वाई 2-methyl प्रॉप टू ऑल. तो ये तो एक हमने आपको नॉमेनक्लेचर आपके सामने रखा. इसी तरह से अगर दो ओ एच है तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर क्या किया जाएगा उसको भी हम आपको बताएंगे. अगर दो OH हैं तो आप उसके लिए एक टर्म डायोल लगाएंगे, तीन OH हैं तो ट्रायोल लगाएंगे. लेट एक कंपाउंड आपके सामने है CH2OH, CH2OH. देयर आर टू OH. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग 1, 2 इट मींस एथ 1, 2 डायोल. एथ दिस वन इज ड्यू टू 2 कार्बन, 1, 2 डायोल. एक से भी जो है आपका OH लगा हुआ है, टू से भी OH लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे डायोल. इसी तरह से ट्राइओल का अगर हम कोई एग्जांपल आपके सामने रखें, CH2OH, CHOH एंड CH2OH. कॉमन नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज ग्लिसरॉल. नाउ नंबरिंग 1, 2, 3 देयर आर 3 कार्बन. फॉर 3 कार्बन इन आईयूपीएसी प्रॉप, 1 के साथ में भी आप देख रहे हो OH है, 2 के साथ में भी OH है, 3 के साथ में भी OH है, तो प्रॉप 1, 2, 3 ट्रायोल. दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी. तो ये जो आईयूपीएसी नेम है ये अल्कोहल के काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमने किसी भी कंपाउंड में किस तरह से यूज करना है ये मैंने आपके सामने रखा. नाउ प्रिपरेशन. प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन है आप अल्कोहल को बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड से. अल्काइल हैलाइड. तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि अल्काइल हैलाइड से हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे. अल्काइल हैलाइड्स आर RX. तो जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है X को रिप्लेस करके अगर हम OH लगाएं तो वो बन जाएगा हमारा अल्कोहल. तो उसके लिए एक मेथड है कि किस तरीके से इस X को रिप्लेस करके OH लगाया जाए. तो एक बेस्ट मेथड है अगर इसको हम ट्रीट करें NaOH के साथ में. NaOH, KOH, किसी भी बेस के साथ में आप ट्रीट करते हैं तो बन सकता है हमारा ROH. लेकिन एक कंडीशन है कि जो NaOH होना चाहिए वो एक्वस होना चाहिए, वो वाटर में बना होना चाहिए, उसमें OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए तभी जाके अल्कोहल बनेगा. अगर यहाँ पर अल्कोहल ही KOH लिखते हैं तो अल्कोहल नहीं बनता क्योंकि उस कंडीशन पे यहाँ पे एलिमिनेशन होता है और जो है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH हमारा यहाँ लगेगा और ये X जो है Na के साथ लगेगा तो ये बन जाएगा एक तो साइड प्रोडक्ट NaX और मेन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ROH. अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट. सपोज एग्जाम्पल CH3CH2Cl प्लस NaOH
aqueous. So products are C2H5OH, combine these two C2H5 plus NaCl. It means alcohol. This is the first preparation for making alcohol from alkyl. Okay. And this is a type of the reaction, nucleophilic substitution, because X is substituted by OH, and OH negative is a nucleophile, that's why this is called nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. This is also called abbreviated as like SN. SN से भी हम उसको लिखते हैं और आपको सबको मालूम होगा वो alkyl halide वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है SN1 और SN2 दो तरह की रिएक्शन होती हैं. Now second preparation. अगर हम ये कहें कि कोई दूसरी मेथड से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो एक इम्पोर्टेंट मेथड और आपके सामने रख रहे हैं, दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. Second method, hydration of alkene. Hydration of alkene. Okay. Now alkene is CH2, double bond CH2. This one is the alkene. Now hydration. जैसा कि आपको पता, hydration means होता है reaction with water. इसके लिए condition develop होती है. अगर आप water के साथ reaction करते हैं, तो अगर acidic medium नहीं है, तो reaction बहुत ही टफ हो जाती है. तो दैट्स व्हाई एसिडिक मीडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इसमें जो बनेगा, दिस वन इज वेरी सिंपल रिएक्शन. ये तो बहुत ही सिंपल हमने दिए है क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. जब कभी भी आपको सिमेट्रिकल एल्कीन दिया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप कहीं भी जो है, जैसे H2O है, वाटर में H+ और OH- होता है, चाहे आप इसमें H जोड़ दीजिए या इसमें H जोड़ दीजिए, किसी में भी OH जोड़ दीजिए, इट डजंट मैटर, कोई भी गलती नहीं होगी. यहाँ पे लेट हम ये मान लेते हैं कि H+ की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट किया तो वाटर का H यहाँ और वाटर का OH यहाँ जुड़ गया, तो प्रोडक्ट हमारे पास में ये आएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH3. दिस वन इज द अल्कोहल. दिस इज ए टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन. क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो वाटर है वो कम्प्लीटली सबस्ट्रेट पे एड हो गया है, तो इसे हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन. और लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने पढ़ा होगा कि एडिशन रिएक्शन भी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. तो ये किस टाइप का है? ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज स्टार्टेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल. तो ये इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एडिशन reaction. Okay. Now some other types of the alkene, CH3, CH2, CH3CH, double bond CH2 plus H2 in the presence of the acid. Now question is, this one is unsymmetrical. Unsymmetrical. अब हमें ये देखना है कि जो water में H+ और OH- है वो कहाँ पे ऐड होगा, वो इस यहाँ पे CH पे ऐड होगा या CH2 पे. हमें ये पता है कि या तो CH पे ऐड होना है या CH2 पे ऐड होना है, इतना तो क्लियर है. CH3 पे ऐड होने की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, बिकॉज CH3 का जो कार्बन है, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2. जो कोई भी कार्बन sp2 होता है वही पे एडिशन की प्रोबेबिलिटी होती है, अदरवाइज एडिशन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती अगर वो sp3 है तो. हाँ, अगर sp है तो भी कार्बन में एडिशन की पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाटर में जो H+ और OH- है, H+ यहाँ ऐड होगा या H+ यहाँ ऐड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए हमें इसको एनवायरमेंट देखना होगा इसका. ये जो CH3 है इसका होता है प्लस आई इफेक्ट. जब CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट करेगा CH2 की तरफ को. पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा CH2 की तरफ को. जैसे ये पाई बॉन्ड CH2 की तरफ शिफ्ट करेगा, दिस वन गेट डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड दिस C गेट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज.
इस एनवायरमेंट से हमें ये पता चलता है कि CH के पास में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम है, तो वाटर का OH माइनस हमारा ऐड हो सकता है CH पे, और बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन CH2 में आप देख रहे हैं कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट, इसकी वजह से ये नेगेटिव है, तो वाटर का जो H पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ ऐड होगा एंड देन CH3, CH OH and finally here CH3. So it means possibility of these reactions are two. Number one, 1 degree alcohol bhi ban sakta hai aur 2 degree alcohol bhi ban sakta hai. But 2 degree alcohol is preferable because of the stability. Stability on the basis of the intermediate. Agar aap iski reaction mechanism banaye, to aapko ye pata chalega ki pehle acid का एच पॉजिटिव जब यहाँ ऐड होता है तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन पहले बनेगा, देन 2 डिग्री कार्बोनियम आयन पर जो है वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. ओके, अगर हम इसका मैकेनिज्म आपके सामने रखें तो देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव है जो एसिड हमने लिया है इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या करता देखिए, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर एंड दिस एच पॉजिटिव अटैक ऑन दिस, तो दैट्स व्हाई CH3 CH पॉजिटिव एंड दिस वन इज CH3. ओके, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन एंड आफ्टर दिस 2 degree carbonium ion, CH3 CH positive single bond CH3, this one react with water. जैसा कि आप सबको मालूम होगा H positive क्योंकि catalyst है, catalyst को as such आपको वापस करना होता है, water में से OH minus यहाँ आ जाएगा और H plus जो है वापस हम किसको दे देंगे catalyst को, तो product हमारा ये बन जाएगा 2 degree alcohol. Okay. तो ये एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, एक प्रिपरेशन आपके सामने हमने और रखा. नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इसी में है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आप सब लोगों ने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एब्रिविएटेड एज RMGX करके आप लिखते हैं. RMGX इट मींस थर्ड मेथड. नाउ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड reagent, this one RMGX. Okay. So Grignard reagent, this one is very important reagent for preparation of the alcohol. इससे हम 1 degree alcohol भी बना सकते हैं, 2 degree alcohol भी बना सकते हैं और 3 degree alcohol भी बना सकते हैं. वो इस पर depend करेगा कि Grignard reagent की reaction आप कर किससे रहे. Suppose Grignard reagent आपने लिया RMGX की जगह हम ले लेते हैं CH3MgBr. ओके, और इसकी रिएक्शन हमने करनी है कार्बोनिल कंपाउंड से. कार्बोनिल कंपाउंड हम ले लेते हैं एक, या एक जनरल हम रिएक्शन आपको दे देते हैं पहले. एक जनरली अगर हम इस पूरी रिएक्शन को लिखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कार्बोनिल कंपाउंड देन फर्स्ट एडक्ट एक बनेगा. देन एडक्ट बनने के बाद अगर इसका हाइड्रोलाइसिस आप करते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस, हियर इज अल्कोहल. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विद कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड में भी लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या कीटोन, इट मींस एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी लिया जा सकता है. इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप ऑयल क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड से करते हैं तो भी वो बन सकता है अल्कोहल, और उसके अलावा एस्टर की रिएक्शन करते हैं तो भी अल्कोहल बन सकता है. तो दैट्स व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ले लेंगे आप CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. कार्बोनिल कंपाउंड एक हम ले लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेल्डिहाइड. ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि जो मिड वाला ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, दिस कार्बन आफ्टर
displacement of this pi bond towards oxygen, a pi oxygen negative charge, carbon get positive charge. Okay. This CH3MgBr को अगर हम polarity दें, positive negative अगर इसमें हम लगाएं, तो CH3 और Mg के बीच में देख रहे हैं हम carbon और metal का जो bond है, metal is more electropositive, this carbon is more electronegative compared to this one, that's why this part negative and this part is positive. Okay, now what will be the adduct with these two? CH3 जो है हमारा, क्योंकि ये negative है, तो ये यहाँ carbon carbonyl के positive carbon पर attack करेगा, और जैसा कि हमें मालूम है कि जो ये carbon है, जिसमें कि positive है, तो ये यहाँ के negative से attack करेगा, तो ये negative और ये यहाँ पर आ जाएगा H C O, O पर ये MgBr आ गया, MgBr और carbon पे CH3 और ये H, this is called adduct. इसको adduct है, as the name stated, adduct means addition product. जब हम किसी substrate और reagent को मिला करके एक संग में कुछ कर लेते हैं, तो उसी के adduct word use किया जाता है, क्योंकि हमने कुछ out नहीं किया है, दोनों को just add कर दिया है. इसके बाद क्या किया जाता है, देखिए H2O और H+ means है acid hydrolysis. Acid की presence में वाटर के साथ में अगर किसी कंपाउंड का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. तो इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, O और Mg के बीच में पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, Mg गेट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस O इज गेट नेगेटिव चार्ज. ओके, तो इस वजह से क्या होगा, वाटर में जो H2O वाटर है उसमें जो H+ और OH- है, वाटर का जो H+ है वो तो O नेगेटिव से जुड़ जाएगा और कंपाउंड हमारा मिलेगा C, ये हो गया CH3 अपनी जगह बना रहेगा H, और साइड प्रोडक्ट हमारा बनेगा MgBr और OH. वाटर का जो OH है वो इससे जुड़ जाएगा, तो इसको हम देखते हैं MgBr तो पहले से ऐड है, OH इसमें रह गया. तो जैसा कि हमने देखा ये अल्कोहल जो है इसको हम बोलते हैं CH3 CH2OH, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल. तो इट मींस अगर हमें ये कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड की अगर आप रिएक्शन करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड दिस इज द कॉमन नेम एंड मीथेनल, मीथेनल दिस वन इज द IUPAC नेम, तो मीथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है. ओके, इसी तरह से अगर आप इस कार्बोनिल कंपाउंड का नेचर बदल देते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल भी मिल सकता है. लेट अगर हम देखें दूसरी रिएक्शन CH3MgBr प्लस इसकी जगह लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH. ओके, तो सेम वे रिएक्शन उसी तरह से होगी. अगर एक का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो दूसरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएगा कि किस तरह से बनेगा. CH3MgBr CH3 गेट नेगेटिव चार्ज, Mg पॉजिटिव चार्ज, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस प्लस I, दिस वन इज वेरी इजीली शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, pi बॉन्ड बहुत आसानी से शिफ्ट होगा, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी. हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा HC डबल बॉन्ड OH में, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड में, लेकिन एसिटाल्डिहाइड जो हमने दिया अभी आपको, एसिटाल्डिहाइड इट मींस ये दिस इज द कॉमन नेम, अगर इसका IUPAC नेम लिखें तो इथेनल, इथेनल. इन दोनों रिएक्शन में से ये रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि CH3 के प्लस आई इफेक्ट से जो पाई बॉन्ड है बहुत आसानी से यहाँ शिफ्ट कर सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर शिफ्टिंग फास्ट होगी. तो ये रिएक्शन हमारा जो एडक्ट बनेगा वो किस तरह से एडक्ट बनेगा, CH3 ये यहाँ लग जाएगा नेगेटिव है, Mg जो पॉजिटिव लिया हुआ है वो पे एड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा पहले हमारा एडक्ट के रूप में ओ एम जी बी आर सी एच थ्री एंड दिस वन इज एच, दिस इज एडक्ट. And then acid hydrolysis, it means H2OH positive. जब हम H2OH positive करते हैं तो क्या होता है, same way जैसे ऊपर किया हमने, H water में H plus और OH minus है, O और Mg के बीच का जो bond है ये break करेगा, water का H plus O के पास में add होगा और जो OH minus है वो MgBr के साथ में add होगा,
सेम जैसे ऊपर प्रोडक्ट बना था उसी तरह से यहां भी बनेगा सी एच थ्री ये सी ओ एच सी एच थ्री एच प्लस एम जी बी आर ओ एच तो ये जो एल्कोहल है ये 2 डिग्री एल्कोहल है ओके तो ग्रिग्नार्ड रिएजन फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा 1 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजन एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा बट आफ्टर दैट दोनों एल्डिहाइड है लेकिन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ में एसीटोन या किसी कीटोन की रिएक्शन करते हैं तो हमें तब मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल कैसे वो भी देख लीजिएगा Suppose that Grignard reagent is CH3MgBr plus जो acetone हम ले रहे हैं यानी कि ये ketone simplest form of the ketone CH3C double bond O CH3 तो इसमें pi bond shift करेगा oxygen की तरफ because of the more electronegative nature of the oxygen this carbon get positive charge this one is negative okay CH3MgBr this bond is polarized ये क्योंकि आप देख रहे हैं मेटल है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव तो इसके बाद जो शिफ्टिंग होगी हमारी ये पूरा का पूरा एम जी बी आर पार्ट होगा ऊपर और जो सी नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो इस कार्बन पे आएगा तो सी एच थ्री सी ओ एम जी बी आर दिस वन इज सी एच थ्री हियर अगेन सी एच थ्री दिस वन इज एडक्ट जो एडक्ट बना है उस एडक्ट का एसिड हाइड्रोलिसिस होगा सेम वे जैसे पहले दो रिएक्शन हमने किया है तो ओ और एम जी आर बी आर वाला जो बॉन्ड है ये ओ एम जी बी बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ तो वाटर का जो एच पॉजिटिव है वो हमारा ओ से लगेगा और एम जी पॉजिटिव जो है उससे ओ एच लगेगा तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से सी एच थ्री सी CH3CH3OH plus MgBrOH. This one is a 3 degree alcohol. तो तीन तरह के अल्कोहल जिस हमने बनाए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजन से. That's why this method is very important for the preparation of the alcohol. All the three types of the alcohols can be formed. इसी तरह से अब हम दूसरी method एक देखेंगे कि क्या ग्रिग्नार्ड रिएजन्स और एसिड क्लोराइड से भी अल्कोहल बन सकता है वो भी देखा जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजन सी एच थ्री एम जी बी आर पर अगर हम करें रिएक्शन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ओके तो पहले यहां भी एडक्ट बनना है कुछ इस तरह से पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड जब यहां शिफ्ट करेगा तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज सी एच थ्री नेगेटिव एम जी पार्ट पॉजिटिव सी एच थ्री नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ ऐड होगा और एम जी पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे ऐड होगा तो इस तरीके से बनेगा हमारा सी एच थ्री सी ओ एम जी बी आर Cl here, यहाँ पर CH3 लगेगा ओके ये CH3 यहाँ लग गया ये हो गया और उसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो CH3 है वो अपनी जगह बना हुआ है ये MgBr यहाँ लग गया इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है हमारा हाइड्रोलिसिस अगर हम करें इसका H2OH पॉजिटिव करें तो H2OH पॉजिटिव करने से क्या इसमें होगा वो भी देखें क्योंकि ये H प्लस और OH माइनस होगा H प्लस और OH माइनस ओके H प्लस और OH माइनस होगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह का सी एच थ्री सी ओ एच और ये आ गया सी एच थ्री और इस तरह से ये सी एल आ गया प्लस जो है एम जी बी आर ओ एच नो एम जी बी आर यस एम जी बी आर ओ एच ओके तो This is again alcohol, but this is little bit unstable alcohol. Unstable alcohol. ये unstable alcohol है compared to these one.
तो ये है और इससे पहले जो बना था उसके कंपेयर में ये अनस्टेबल एल्कोहल है. उसका रीजन है कि आप एक कार्बन में देखिए वो यहां भी लगा हुआ है, एक सीएल यहां भी लगा हुआ है. अगर एक ही कार्बन में दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपके लगे रहते हैं तो उसको अनस्टेबल एल्कोहल बोलते हैं. तो कहीं पे आप देखेंगे कि स्टेबल एल्कोहल है या कहीं अनस्टेबल एल्कोहल है, ये पता चलेगा आपको कि वो जो कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है आपका सीएल और जिससे जुड़ा हुआ है आपका ओएच, वो क्या सेम कार्बन से है. अगर वो सेम कार्बन से है तो उसको अनस्टेबल एल्कोहल आप करेंगे. ओके, सेम इसी तरह से कुछ और भी मेथड्स हैं. लेट एक हम बताएंगे आपको एस्टर हाइड्रोलाइसिस. एस्टर हाइड्रोलाइसिस इसके बाद आता है, प्रिपरेशन के अंदर ही है. एस्टर हाइड्रोलाइसिस. Now question is what is ester? Ester है एक simple ester बना लेते हैं. CH3C double bond O OC2H5. Now question is what is the name? ये है ethyl 1,2 ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate इसका UPC name होगा. IUPAC name बिल्कुल clear होना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा. ओ से जो लगा है उसको पहले आपको लिखना है, देन 1,2 नंबरिंग करेंगे. दो कार्बन के लिए आप एथ लिखते हैं, O8 इज द एस्टर. ओके, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, लाइट की हम लिख देते हैं एल्कली हाइड्रोलाइसिस. एल्कली आप KOH से रिएक्शन कर सकते हैं, NaOH से रिएक्शन कर सकते हैं. तो देन क्या होगा, देखिए जो यहां पर बॉन्ड है आपका वो C2H5, आप यहां देख रहे हैं आप K+ और OH- है. तो कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज है उसको देखिएगा. ये OH कहाँ लगेगा और जो है K कहाँ लगेगा. जो ये बॉन्ड है आपका, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है. तो C2H5OH लग जाएगा, क्योंकि हमें एक्वस ही लेना है यहाँ पर. एल्कोहलिक KOH नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करना है तो इसके लिए हमारा एक्वस, दिस वुड बी एक्वस. तो K+ जो है इस O नेगेटिव से जुड़ जाएगा और OH- इससे जुड़ जाएगा. तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट इसके बनेंगे CH3C डबल बॉन्ड O K प्लस C2H5OH. दिस O पॉजिटिव, नो O नेगेटिव और O K पॉजिटिव. दिस वन इज पोटेशियम 1,2 इथेनोएट. दिस वन इज टाइप ऑफ द सॉल्ट और ये अल्कोहल बन गया है, जो हमें मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए था अल्कोहल बन गया. तो एस्टर हाइड्रोलिसिस आप कर सकते हैं. एस्टर हाइड्रोलिसिस हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है. ये जो हमने एस्टर हाइड्रोलिसिस दिया है ये है बेसिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमने KOH लिया हुआ है. इसी तरह से आप एसिड भी ले सकते हैं. जैसे हमने HCl लिया तो हमारा बॉन्ड यहाँ पे जो है इस O और C2H5 के बीच ब्रेक होकर के एक पार्ट से हमारा लग जाएगा C2H5. इस बॉन्ड को तोड़ना होगा अगर एसिड होगा तो. इस बॉन्ड से लेट CH3C डबल बॉन्ड O C2H5. अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं लेट की HCl की प्रेजेंस में कर लेते हैं, तो हमें फिर इस बॉन्ड को तोड़ करके हमें बनाना है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस C2H5OH. मैकेनिज्म थोड़ा सा बदल जाएगी. अगर आप एल्कली की प्रेजेंस में अगर लेते हैं तो उस तरह से जो मैकेनिज्म होगी वो डिफर होगी. बेस की प्रेजेंस में लेते तो मैकेनिज्म डिफर होगी. तो इतना होने के बाद इसी तरह से हम रिडक्शन की प्रोसेस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रिपरेशन है रिडक्शन. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा. रिडक्शन आप जो है हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं. तो हमें अल्कोहल में रिडक्शन मेथड से कैसे प्रिपेयर करना है, तो लेट अगर हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज एल्डिहाइड. अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है तो क्या बनेगा. तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे कैसे हम कर सकते हैं, तो नंबर एक देखिए रिडक्शन मींस क्या होता है. या तो आप हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए या उसमें से ऑक्सीजन को हटा दीजिए, बोथ आर रिडक्शन. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे.
in the presence of nickel. Nickel ke alawa ho sakta hai LiLH4 bhi aap le sakte hain direct. Aur isko short mein is tarah se likha jata hai NiH2 ya H2Ni ye likha jayega aur dusra LiLH4 ye likha. It means kya hai? Aldehyde ka reduction karna hai hydrogen ke saath mein in the presence of nickel ya aldehyde ka reduction karna hai LiLH4 lithium aluminum hydride. तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो सेम टाइप के बनते हैं. हाँ, रिएक्शन का जो रेट है वो डिफर हो सकता है, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो अलग हो सकता है, बट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम. जो ये सी डबल बॉन्ड ओ है हमारा, यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन इजी गोइंग वे अगर आपको समझना है तो. जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अगर इसमें से सिग्मा मान लें, अगर ये पाई बॉन्ड मान लें तो ये पाई बॉन्ड हमने ब्रेक करना होता. अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक एच यहाँ ऐड कर देते हैं, एक एच यहाँ ऐड कर देते हैं, तो लेट की ये पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया और एक एच यहाँ ऐड किया और एक एच यहाँ ऐड किया, तो प्रोडक्ट आपके सामने रहेगा सी, ये ओ एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये एच पहले से यहाँ पे है तो बन गया हमारा CH3CH2OH. तो दिस वन इज द एल्कोहल. तो इट मीन्स रिडक्शन के प्रोसेस में किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो वही रिडक्शन की प्रोसेस है, या अगर किसी कंपाउंड में से आप ऑक्सीजन को आउट कर देते हो वो भी जो है रिडक्शन की प्रोसेस में आएगा. तो इसी तरह से कुछ और रिएक्शन हम ले लें रिडक्शन के अंदर. लेट की अगर आपसे कहा जाता है कि कीटोन एक कंपाउंड आपको दिया है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन है. IUPAC में इसको हम बोल सकते हैं 1, 2, 3, दिस वन इज प्रोप्टोन या प्रोपेनोन, प्रोप्टोन है या प्रोपेनोन, तो इसका भी रिडक्शन होगा. आप H2Ni से इसको ले सकते हैं या LiLH4 के साथ में ले सकते हैं. तो प्रोडक्ट सेम उसी तरह से हमें बनाने हैं. जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना टफ होता है. तो जो कोई भी रिएक्शन होगी वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी. तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड जो है आप ब्रेक करोगे, और ब्रेक किस तरीके से करोगे, जैसे ही ब्रेक होगा जो हाइड्रोजन रिएजेंट के रूप में आपने लिया है उसको एक एच यहाँ दे दोगे, एक कार्बन को दे दोगे, तो इस तरह से प्रोडक्ट जो फाइनल बनेगा CH3COH सिंगल बॉन्ड एच एंड यहाँ पे CH3. तो आप देख रहे हैं कि ये जो बन गया है CH3COH एंड CH3, ये तो बने 2° अल्कोहल. और यहां अगर आप देखें CH3CHH, ये अगर शॉर्ट में लिखा जाएगा तो CH3CH2OH, दिस वन इज 1° अल्कोहल. तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एल्डिहाइड है उससे तो हमें मिलता है 1° अल्कोहल, लेकिन जो कीटोन होते हैं उससे हमें मिलता है 2° अल्कोहल. ओके, इसी तरह से अगर हम एक एल्डिहाइड और जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है उसको ले लें HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर ले लें, तो उसका अगर आपको रिडक्शन करना है और कंडीशन इसी तरह से सेम दी है H2Ni एंड LiLH4 में से कोई भी एक ले लें, आप H2Ni ले लें या LiLH4, तो इसमें भी रिएक्शन इसी तरीके से आपको करनी है. पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, दिस वन इज वीक बॉन्ड. पाई बॉन्ड को तोड़ोगे आप, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा एक एच यहाँ लगेगा, एक एच यहाँ लगेगा, तो प्रोडक्ट आपके सामने कुछ इस तरह का होगा CH, OH, H एंड H. ओके, तो ये बन गया हमारा CH3OH, दिस इज अगेन 1° अल्कोहल. CH3OH को भी 1° के ही अंदर रखा जाता है, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ना चाहिए तो भी उसको 1° बोलते हैं, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऐसे कार्बन से जुड़ना चाहिए जिससे कोई और कार्बन ना हो, दोनों ही कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन मानी जाएगी. और ये 2° अल्कोहल है, ऐसा कार्बन जिससे दो कार्बन और जुड़े हैं उससे अगर वह जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं 2°. तो ये कुछ रिडक्शन की प्रोसेस आपके सामने हमने रखी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है. सेम वे वन मोर मेथड, लेट की एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करना है, एस्टर का वाटर के साथ में, एस्टर हाइड्रोलाइसिस केवल वाटर के साथ में, उससे भी रिएक्शन हो सकती है विद वाटर, वाटर ही ले लेते हैं केवल वाटर. अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करनी है
let CH3C double bond O OC2H5 इस पे अगर वाटर की रिएक्शन करते हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है कि क्या बनेगा, क्योंकि इसमें एक C2H5 है, यहाँ यहाँ भी दो कार्बन है, तो यहाँ पे तो वाटर है, तो एक H आप यहाँ भी लगा सकते हैं, OH यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5 OH, ये दो चीजें बन गई, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा हम चेंज करें कि CH3C डबल बॉन्ड O O CH3 प्लस H2O, तो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे CH3COOH और CH3OH, CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3OH। तो इट मींस हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसके बेस में अल्कोहल बनना है, जो यहाँ से लगा हुआ उसके बेस में अल्कोहल बनना है, न कि जो यहाँ लगा हुआ उसके बेस में। तो कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट CH3 जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ उसके बेस में जो है अल्कोहल नहीं बनना है, जो O के साथ में लगा हुआ है उसके साथ में जो है अल्कोहल बनना है। अब इसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर हम जाएंगे। प्रॉपर्टीज में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो एसिडिक होते हैं या बेसिक, प्रॉपर्टीज एसिडिक प्रॉपर्टी में बताऊंगा अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि ये अल्कोहल होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये अल्कोहल एसिडिक होते हैं या नहीं होते, ये देख लीजिएगा CH3OH है, ये एसिडिक है या बेसिक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि OH है तो ये बेस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जो कुछ भी है अगर वो दे नहीं रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। OH है लेकिन OH नहीं देता है। CH3OH को अगर पूरा आप बनाएं और उसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है न कि यहाँ से ब्रेक होता है, तो जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो कंपाउंड बनेंगे हमारे CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव अगर डोनेशन की कैपेसिटी है तो अल्कोहल्स आर कॉल्ड एसिडिक, ये एसिडिक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एसिडिक तो है बट दीज आर वीक एसिड, ये वीक एसिड हैं, क्योंकि इनमें एसिड जो H प्लस डोनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। उसका रीजन क्या है वो भी आपको क्लियर होना है। CH3OH है क्योंकि जो CH3 का इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट है, तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनों को जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो O और H के बीच का बॉन्ड O की तरफ अगर शिफ्ट आप करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और अगर ये बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा तो एच प्लस अगर आसानी से रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक नेचर उतना बेटर नहीं माना जाएगा, दैट्स व्हाई ये वीक एसिड है। तो अल्कोहल्स आर वीक एसिड बिकॉज ऑफ लेस कैपेसिटी टू डोनेट एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव आयन देने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, इसकी वजह से इसको वीक एसिड बोलते हैं। नाउ जो थ्री टाइप के अल्कोहल आपके सामने हैं CH3 CH2OH एक, दूसरा है सेकेंडरी, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये OH है, ये H हो गया, ये CH3 टू डिग्री, एंड देन आपका आया OH CH3 और ये CH3। ये तीन तरह के अल्कोहल आपके सामने हैं, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अमंग दीज थ्री विच वन इज मोस्ट एसिडिक, तो उसके लिए हमें क्या देखना, देखिए ये OH ग्रुप है, इससे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, कितने R ग्रुप लगे हुए हैं, एक R ग्रुप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 R ग्रुप हैं, यहाँ पे 3 R ग्रुप हैं। तो जब R ग्रुप बढ़ेगा यानी कि प्लस I ग्रुप बढ़ेगी, ये प्लस I है, ये भी प्लस I है, ये भी प्लस I है, प्लस I ग्रुप, प्लस I, I means inductive effective group, I होता है जो प्लस I ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इट मीन्स जो ये R ग्रुप है ये O की तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और ये जो CH3 है ये CH3 ये भी सी की तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ये CH3 है ये CH3 ये CH3 सब सी की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। तो जो पाई बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है वो और H के बीच का जो बॉन्ड है, O और H के बीच का बॉन्ड है,
इस OH के बीच के बॉन्ड को हमने शिफ्ट करना है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तभी जाके H+ डोनेट किया जा सकता है। OH के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमने शिफ्ट करना है कहां, O की तरफ को। O और H के बीच के बॉन्ड को आप अगर O की तरफ शिफ्ट करेंगे तभी जाके H+ को डोनेट कर सकते हैं। तो यहां पे भी देखिए O और H के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाए, जिसमें जितनी जल्दी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं उसी में H पॉजिटिव उतनी आसानी से डोनेट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ग्रुप है प्लस आई, इसमें दो प्लस आई ग्रुप है, इसमें तीन प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना टफ होगा। दैट्स व्हाई प्राइमरी में H+ देना सबसे आसान है, दैट्स व्हाई दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। नंबर टू आएगा आपका 2 डिग्री में, नंबर थर्ड में आएगा आपका 3 डिग्री। इट मींस 3 डिग्री इज लीस्ट एसिडिक, ये है आपका लीस्ट एसिडिक एंड दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। अगर ये नेचर आपको क्लियर हो जाता है तो इससे आपको अल्कोहल की जो प्रिपरेशन के बाद जो प्रॉपर्टीज है, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है, उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे इलिमिनेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, उसको आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये भी समझ जाएंगे कि इनमें किसमें रिएक्टिविटी, OH बॉन्ड को तोड़ना किसमें आसान है और CO बॉन्ड को तोड़ना किसमें आसान है, उसके भी अगर इतना सब क्लियर है तो प्रॉपर्टी इसकी रिएक्शन को बनाना बहुत आसान हो जाता है। सपोज लेट अगर हमारे पास में डिहाइड्रेशन रिएक्शन आती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स है कि अल्कोहल में से जो है वाटर को अलग करना, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में, अल्कोहल के अगर कंटेनर में आप ऊपर से कोई इनऑर्गेनिक एसिड मिलाते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड मीन्स लाइक H2SO4 अगर उसमें मिलाते हैं या उसके अलावा HCl उसमें मिलाते हैं या H2O3 अगर उसमें मिलाएंगे तो उससे उसमें वाटर के आउट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें वेपराइजेशन होने लगता है। सपोज एक कंपाउंड है CH3CH2OH, अगर हमने इसमें मिला दिया H2SO4 और कंसंट्रेटेड अगर है तो और भी बेटर है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें देखना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए जो ये H2SO4 है, ये H2SO4 इसको H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो इसका हम मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताना चाहेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म, जैसे मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा H2SO4 जो ब्रेक होगा वो होगा H+ HSO4- में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3CH2OH, इस पर जो है एच पॉजिटिव की रिएक्शन होती है, ये जो एच पॉजिटिव पहले स्टेप में बना हो, तो ये एच पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं लोन पेयर है, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लोन पेयर। जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी से बॉन्ड नहीं बनाए होते हैं एंड दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। जो कोई अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया है वही किसी आने वाली स्पीसीज के साथ में बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो एच पॉजिटिव है ये बहुत आसानी से इन लोन पेयर के साथ अटैक करता है। तो हमें जो प्रोडक्ट पहले मिलता है वो ऐसा कुछ मिलता है CH3CH2OH OH H एंड दिस वन गेट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं पॉजिटिव आया है, ऑक्सीजन में अगर पॉजिटिव है तो उस स्पीसीज को बोलते हैं ऑक्सोनियमाइन। जहां कहीं भी ईएम लगेगा समझ लीजिएगा उसमें पॉजिटिव है। कार्बन में पॉजिटिव कार्बोनियम आयन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, क्लोरीन में पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन, ऑक्सीजन में पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये स्पीसीज बनी हुई है हमारी ऑक्सोनियम आयन की CH3CH2OH पॉजिटिव, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाने से वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो इस बॉन्ड को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है और एक स्पीसीज जो बनती है वो बनती है CH3CH2+। नाउ दिस वन इज द कार्बोनियम आयन। अब कार्बन में पॉजिटिव आ गया तो कार्बोनियम आयन, ओके। देन अगेन वन मोर स्टेप, फोर्थ वन,
तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में HSO4 नेगेटिव बना हुआ है, अभी उसका यूज होना है क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो लास्ट स्टेप है हमारा CH3CH2 पॉजिटिव, इस पर HSO4 नेगेटिव की रिएक्शन। अब HSO4 नेगेटिव को वापस होना है H2SO4 में, तो वो इसमें क्या करता है, जो ये CH3 है इसको अगर हम थोड़ा ब्रेक करके ऐसे लिख रहे हैं, यानी कि CH3 ये हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है दिस वन शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव कार्बन, ये यहाँ को शिफ्ट होगा क्योंकि जो ये कार्बन में पॉजिटिव लगा हुआ है यही इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, तो ये एच पॉजिटिव जो है यहाँ से निकल करके HSO4 नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा और HSO4 नेगेटिव जो होगा वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपने जो कैटलिस्ट लिया था वो कैटलिस्ट एज सच वापस आ गया है, तो रिएक्शन बैलेंस की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पे CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये एल्कीन बन गया, इट मींस इथीन। तो जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाता है तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है और आपका कंपाउंड बन जाता है एक एल्कीन। ओके, तो एक रिएक्शन हमने आपके सामने रखी है डिहाइड्रेशन। तो इसी तरह से और भी रिएक्शन हैं जो कि आप इसकी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को समझते हुए, अगर अल्कोहल के बारे में आपको क्लियर है तो उसकी रिएक्शनों को बनाना बहुत आसान हो जाता है, अगर अल्कोहल की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा भी कन्फ्यूजन अगर होता है तो रिएक्शन को करना टफ होता है। इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल की अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो रिएक्शन बहुत आसानी से बनाई जा सकती। तो ये सब आज हमने अल्कोहल बताया। नाउ नेक्स्ट में हम उसी के आगे जो है आपको फिनॉल की तरफ बताएंगे, क्योंकि फिनॉल जो है जिसमें भी OH होता है यहाँ भी OH होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।